काफी देर से सरवर जी का इंतजार कर रहे थे, और सरवर जी पता नहीं कब टपक गए हम लोग देख ही नहीं पाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सेफ एंड सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है एयरपोर्ट रोड से, मोहाली एयरपोर्ट रोड से। तो फ्रेंड्स, आज मैं इधर वॉकिंग के लिए ही आया था, तो मैं सोचा आज का ब्लॉग एयरपोर्ट रोड से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम जो है कि एयरपोर्ट रोड से ब्लॉग को स्टार्ट कर दिए हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो एयरपोर्ट रोड जो है कि शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, यही मेन रोड है जो एयरपोर्ट से जाता है। तो मैं यहाँ वॉकिंग के लिए आया था, तो मैं सोचा आज ब्लॉग एयरपोर्ट रोड से ही स्टार्ट करते हैं। और सनराइज़ भी होने को है, सनराइज़ हो भी रहा है। तो फाइनली गाइज, मैं अब अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं जो है कि 5:30 बजे, साढ़े 5 और 5:30 बजे के बीच में रूम से रेडी होके, फ्रेश होके निकलता हूँ, और 6:30 बजे तक अपना कर लेता हूँ जो भी वॉकिंग, थोड़ी थोड़ी रनिंग वनिंग कर लेता हूँ, थोड़ा दौड़ और लगा लेता हूँ। अरे 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 अरे, रुक जाओ, चलो। फिर से तंग करने आ गए, ऐसा मुझे नहीं पता होता ये लोग यहाँ पे होते हैं। चलो, मत आओ। वो देखो उधर है, वो देखो उधर देखो, एक उधर है, देखो उधर आ रहा है। मत परेशान कर भाई, नहीं परेशान करो, मार दूंगा। चलो चलो, साइलेंट, बदमाशी नहीं करो भाई, बदमाशी बहुत करते हो, मार दूंगा अभी। मस्ती मत करो, बस हो गया। अरे फ्रेंड्स, एक दिन और मैं इस साइड आया था तो एक ही मिला था, आज 3-3 मिल गए, बड़े शरारती हैं। अब आऊँगा नेक्स्ट टाइम, इस रोड पे आऊँगा ना, तो इन लोगों को खाने के लिए बिस्किट वगैरह लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत शरारत करते हैं सब, बहुत नोटी। तो फ्रेंड्स, वही 5 और 5:30 बजे के बीच में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाता हूँ, तो थोड़ी दौड़ लगा लेता हूँ, 1-2 एक्सरसाइज कर लेता हूँ, और बस हो जाता है इतना ही। जिम उम तो एक बार ज्वाइन किया था, बट रेगुलर नहीं कर पाया, एक कोई ना कोई काम लग जाता है, कहीं 10 दिन के लिए किधर भी चले जाओ, कहीं किधर चले जाओ, तो पैसे भी बेकार जाते हैं, रेगुलरिटी भी नहीं बन पाती है, रेगुलर कर भी नहीं मिलता है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने जिम ज्वाइन करना छोड़ दिया। और फिर बहुत पहले मैं जो है कि जिम किया करता था बचपन में, माँ बाप के राज में, वही कहते हैं ना, शौक़ तो माँ बाप के पैसों से पूरा होता है, अपने पैसों से तो ज़रूरतें नहीं पूरा होती हैं, क्योंकि किसी के भी माँ बाप हो, चाहे थोड़े कमाए का चाहे ज़्यादा कमाए, अपने बच्चे का शौक़ रखने के लिए, शौक़ पूरा करने के लिए सारी कोशिश करते हैं, क्यों फ्रेंड्स? कमेंट करके आप भी बताना। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली उस जगह पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे एरो सिटी में हर सैटरडे को, शनिवार को वो लगता है, मंडी लगती है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे सामान लेके आते हैं बेचने के लिए। तो शाम से ही, एक दिन पहले से ही, फ्राइडे से ही कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उधर पीछे से रोड पे, तो वहाँ पे भी 2 पिकअप में पूरा सामान भर के लोग आके रोड पे सारी रात सोए यहीं पे। उधर था, मैं उनको ब्लॉग में नहीं लिया, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ एरो सिटी में, जहाँ पे आज मंडी लगेगी,
बस वहीं पहुंचने ही वाला हूँ। जगह पे आ गया जहाँ पे आज शनिवार को यहाँ पे मंडी लगेगी। पूरे एरो सिटी के लोग जो है कि पूरे एरो सिटी में रहने वाले लोग शनिवार के दिन यहीं से अपना मार्केट करते हैं, सब्जी सब्जी लेते हैं। मैं भी यहीं से लेता हूँ, हफ्ते में एक ही बार लेता हूँ, शनिवार बस शनिवार को ही लेता हूँ। बीच में मैं कहीं सब्जी वब्जी लेने नहीं जाता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से तैयारी एक दिन पहले। टेबल टूबल एक कल से ही सेट कर रहे हैं अपना। पहले काफ़ी बहुत बड़ा लगता था ये रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल के एकदम बिल्कुल साथ में है, और काफ़ी काफ़ी बड़ा लगता था पहले। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, इसके अंदर भी लगता था। बाद में उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया तो थोड़ी मंडी छोटी हो गई और इधर रोड पे भी आ गई। पहले रोड पे नहीं लगा करता था, पहले बस ग्राउंड में लगता था। तो ये कंस्ट्रक्शन चालू हो गया मोहाली सिटी सेंटर वॉक, और इधर सामने तो मोहाली सिटी सेंटर है ही। तो ये ठीक मोहाली सिटी सेंटर के अपोजिट में लगता है एरो सिटी में। तो हम भी यहाँ से सब्जी सब्जी लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, पूरे एरो सिटी के लोग लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ताज़ी और रेट भी अच्छे रेट में मिल जाती है। तो ब्रांड से देखो आप टेबल टूबल किस तरह से सारा कुछ लग रहा है। तो मुझे भी देर हो रहा है फ्रेंड्स, मैं भी निकल रहा हूँ फटाफट अपने रूम की तरफ। तो फाइनली मैं रूम की तरफ ही जा रहा था, तो लेकिन यहाँ पे और नारियल पानी वाला आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ 5-6 किलोमीटर आज वॉकिंग किया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नारियल पी के जाऊँ अच्छा सा पानी वाला। देखता हूँ नारियल वाले के पास जाता हूँ, एक नारियल लेता हूँ। दो एक काटो पानी वाला अच्छा सा काटना। हाँ तो फ्रेंड्स ये नारियल वाले भैया हैं, यहाँ पे एक नारियल पीता हूँ फिर रूम पे चलता हूँ। तो पीला पीला सा लग रहा है, होगा पानी? चलो है पी लेता हूँ। गैस कहाँ होता है सुबह सुबह? बहुत बात सही है। अच्छा आप मेरा मोबाइल रात चार्ज नहीं हो पाया ना, तो स्कैनर उसी में है, वैसे स्कैनर है ही। फिर मैं कैसे करूँगा? लेकिन ये मीठा वाला नहीं, बंगलोर वाला बहुत मीठा होता है। मलाई वाला भी होता है, बंगलोर वाला भी मीठा होता है। बेंगलोर का भी है, हो सकता है ज़्यादा कच्चा हो इसलिए मीठा। हाँ कच्चा पानी। फ्रेंड्स हमने नारियल तो पी लिया, लेकिन कैश पैसे नहीं थे बेचारे के पास, गूगल और पेटीएम वाला सिस्टम ही नहीं था। तो अभी उधार करके जा रहा हूँ, बोला हूँ आऊँगा अभी नहा धो के रेडी होके तब दे जाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, VIP रोड आया था, यहाँ पे मेरा मोबाइल एक ख़राब पड़ा था तो उसको रिपेयर के लिए दे दिया हूँ, और वो बोला 5-5:30 बजे के बाद जो है कि मिलेगा। तो आज मैं नाइट में अलीगढ़ भी निकलने वाला हूँ, तो बहुत सारा काम है। आज सुबह सुबह निकल आया था, वॉकिंग करने के बाद मैं रूम पे गया, नहाया धोया और फिर निकल आया। तो फ्रेंड्स अब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पे त्रिमूर्तियों की मुलाकात होगी तीनों दोस्तों से, और देखते हैं क्या बातचीत आपस में होता है। तो ऐसी लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की लोकेशन है, कहाँ पे हम लोग मिलने वाले हैं। अब हम पहले आ गए, अभी सर्वर जी का आता पता नहीं, उनकी गाड़ी भी नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कैसी है, खंडर है ये जो आप SBP है कि क्या है? GBP। ये GBP के जो है कि टावर बने हुए हैं, फ्लैट हैं रेसिडेंटल, जो कि होल्ड पे हैं, किसी कारणवश रुका हुआ है काफ़ी दिनों से काम। अब ये कब चलेगा कब नहीं चलेगा पता नहीं, आप इस तरह देख सकते हैं बिल्कुल काम बंद है। और यहीं पे एक और फ्रेंड रहते हैं, उनकी दुकान थी, आज देख रहा हूँ उनकी दुकान भी यहाँ क्लोज है। यहाँ पर वो मतलब चाय चूई बनाते हैं और राशन वासन बेचते हैं, तो यहाँ से लेबर लोग ख़रीद के ले जाते हैं। काफ़ी अच्छा सुंदर सा इन्होंने यहाँ पे तिरंगा फहरा रखा हुआ है, जो देख के बड़ा गर्व महसूस होता है। सरवर जी का इंतज़ार कर रहे थे और सरवर जी पता नहीं कब टपक गए हम लोग देख ही नहीं पाए, तो सरवर जी से मिलवाता हूँ। ये हैं हमारे सरवर जी।
जैसे आप लोगों ने, हेलो हाय फ्रेंड, आप लोगों ने पीछे वीडियो में भी देखा होगा, सरवर जी और हम जो है कि दिल्ली उल्ली उधर घूमने गए थे। देखिए गर्मी से क्या हाल है, चेहरा लाल लाल हो गया। आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, कल मौसम ठंडा था, मौसम बहुत खराब है आजकल। और काम कुम बढ़िया चल रहा, हाल चाल ठीक है? ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया काम चल रहा है, बहुत परेशान है। अंसारी जी को, बिल्डर साहब को थोड़ा समझाइए ना, ये बिल्डर साहब हैं, खाली पीली बैठे रहते हैं हमारा, इनका काम करने का मूड नहीं करता है, खाली बिल्डरवा एक पकड़ लिए हैं उसी के चक्कर में रहते हैं। वही कमा के दे रहा है इनको, राजू बिल्डर। हाँ, मैं मंडी आया था और थोड़ी मोड़ी सब्जी ले ली हमने, अब चल रहा हूँ जो मैं पीछे ब्लॉग में दिखाया था, लोग मंडी की तैयारी कर रहे थे। आज सैटरडे था तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मंडी लगी थी, बहुत भीड़ थी। तो मैं भी थोड़ा सा केला लिया, नींबू लिया, मूली लिया और चल रहा हूँ। फाइनली फ्रेंड्स जो है कि मैं सब्जी उब्जी लेके रूम पे आ गया, थोड़ी सी सब्जी लिया, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि आज रात में मुझे अलीगढ़ के लिए निकलना है, वहाँ पर पता नहीं एक दिन लगेगा दो दिन लगेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी सब्जी ली। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग अब यहीं पे द एंड करते हैं और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।